और इस समय मैं जा रहा हूँ एक धाम देखने के लिए, भरतरी धाम। तो अभी राम अवतार जी इस मंदिर के बारे में बताइए। मंदिर में अभी यहाँ पे क्या है और हमको कितना ऊपर जाना है? ये 120-22 सीढ़ियाँ हैं। अच्छा, और इस मंदिर का नाम क्या है? ये धमेड़ा धाम। तो यहाँ पे पीर संजय नाथ जी, जो नारायणपुर मंदिर है, हाँ, पीर संजय नाथ जी बड़े महाराज जी थे, वहाँ यहाँ तपस्या की थी। अच्छा, उन्होंने यहाँ पे तपस्या की थी। हाँ, उसके बाद में यहाँ से वहाँ मंदिर बना था। अच्छा, यहाँ ओके। जो वहाँ फिर उसके बाद में हुआ था सब कुछ, जो हुआ नारायणपुर भी उसके बाद में बसा हुआ है। अच्छा, पहले मंदिर बना था। तो अभी हम लोग ऊपर जाके वहाँ के दर्शन करेंगे। ठीक है जी, तो आप हमको ये पूरा मंदिर दिखाइए। बिल्कुल दिखाइए, चलते हैं। चलो, ओके। दोस्तों प्लीज सब्सक्राइब ट्राई फूडी चैनल और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। मांगते थे ना, हाँ, सब पूरी हुआ करती। बहुत तगड़ा मेला लगता है यहाँ। अच्छा जी, अब बंद हो गया क्या? हाँ। काफी हाइट है। इतनी तगड़ी भीड़ चलती थी, पैड़ियों में जगह नहीं मिलती थी शनिवार के रोज। भरतरी धाम में जितना भी बरसात का पानी है पहाड़ के ऊपर से आता है, वो आप देख सकते हैं। वो यहाँ से आता है और ये पूरा पैसेज बना रखा है। और ये पैसेज ऐसे नीचे की तरफ जा रहा पूरा। अभी बरसात नहीं है तो पानी नहीं है। बाबा ने तपस्या यहीं की थी। हाँ, सबसे पहले तपस्या यहीं की थी। ओके, उसके बाद में तो फिर वो यहाँ से चल पड़ने लगे, महाराज जी जाने लगे। तो पहाड़ भी चल पड़ा। अच्छा, ये पहाड़ भी चल पड़ा था? मैं भी आपके साथ ही चलूँगा। ये हाथ का पंजा दिख रहा ना सामने, ये जो हाथ का पंजा है वो हाथ दिखता। हाँ, हाथ और महाराज जी का घोड़ा दोनों लगे हुए हैं। अच्छा, तो फिर आप महाराज जी बोले आप तो यहीं रहो। आप यहीं रहो, मुझे जाने दो। फिर महाराज जी चले गए। महाराज जी वहाँ चले गए। नारायणपुर उसके बाद में बसा हुआ है। अच्छा, पहले महाराज जी गए थे वहाँ। मंदिर नारायणपुर से पहले का है। अच्छा, हजारों साल पुराना है। हजारों साल ही पुराना जाट का पेड़ है मंदिर में आज भी। अच्छा, यहाँ से गुफा भी है, सुरंग। अच्छा, सुरंग कहाँ पे? वो बगल में है, सामने। अच्छा, यहाँ पे कहीं सुरंग है क्या? हाँ। ये वाली क्या? बगल में ये। अच्छा, ये सुरंग ये है ना? हाँ, ये। अच्छा, ये वाली सुरंग है क्या? ये सुरंग मंदिर जाती है नारायणपुर। ओह, तो थोड़ी बंसी नजर आ रही है। हाँ, बस अंदर तो लाइट थोड़ी है, अंदर तो बस अंधेरा है। हाँ, अंधेरा है। तो अभी भी ये चालू है क्या सुरंग? यहाँ से चालू है, वहाँ से बंद है। ये यहाँ से तो चालू है, यहाँ से जा सकते हो, लेकिन वहाँ नहीं निकल पाओगे आप। अच्छा, वहाँ से बंद है, मंदिर बंद कर दी। एक इधर भरतरी की है ना रास्ता इधर, हाँ, और इधर अपने मंदिर को। हाँ, इधर मंदिर का एक साइड है, भरतरी का एक साइड है। जो पांडव बोल जाके आए हो ना, वही भरतरी धाम है। अच्छा, यहाँ से शुरू वहाँ भी जाती है। अरे बाप रे, वो तो बहुत दूर है। कमाल की बात है। बाबा संजयनाथ गुफा ये है। अच्छा, ये गुफा कहाँ जाता है? यही जो जल रही है ना, यहीं बैठे थे। यहीं तपस्या करने के लिए बैठे थे। खोल लो गेट, देख। हाँ, गेट खोल के भी मालूम पड़ जाए। हाँ, गोडा का मालूम पड़ जाए। देखो, दिखाऊँ आपको। साइड में है ना, इस साइड में ना लाइट नहीं है, लाइट नहीं तो दिखाई दे रहा मुश्किल है। जोत से काला पड़ गया। हाँ हाँ हाँ। घोड़े का निशान, घोड़े का निशान, हाथ का नहीं। ऐसे था महाराज जी का, ये घोड़ा भी है और हाथ भी है। अच्छा, वो लाइट नहीं दिखाई दे, काला पड़ गया है। सही बात है, सही बात है। हाँ, कुछ तो निशान भी वहाँ पे एक, वो सिक्का चिपका हुआ है ना, वो हाथ और उसके नीचे, वो नीचे घोड़ा है। अच्छा अच्छा अच्छा, निशान दिख रहे हैं अभी। यस, दो निशान दिखाई दे रहे हैं मेरे को। यस, ऊपर वाला है हाथ और नीचे वाला घोड़ा। घोड़ा इस टाइम ये पहाड़ चल पड़ा था नहीं, वो जो वो सामने जो झंडा दिखाई दे रहा है वहाँ पे गाय है अभी, गौशाला है। ये तो बहुत हाइट पे अभी है। तो जाने का रास्ता उधर से, इधर से भी है। अच्छा, इधर से वो झाड़ी दिख रही ना, वहाँ से रोड है, वहाँ से रोड है। अच्छा, वहाँ से रोड है, ये झाड़ी दिख रही है ना। हाँ हाँ, यहाँ से जेसीबी से रोड बना दिया गया पूरे पहाड़ पे। अच्छा 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 अच्छा। और वहाँ गाय हैं, ग्वाल हैं, थोड़ा टाइम से आते हैं तो ऊपर ऊपर भी दिखा के लाता आपको। ऐसा क्या पानी यहाँ से जा रहा है, लाइट भी यहाँ से जा रही है, सबको इतनी हाइट पे। तो हम अब मंदिर में आना था इसलिए इस रास्ते से आए, नहीं तो हम उधर से सीधे ऊपर चले जाते। जाते हैं गौशाला में तो उधर से चले जाते। अच्छा, फिर इधर से ऊपर जाते। हाँ, फिर इधर से आ जाते हैं। अच्छा, लेकिन हम गाड़ी से आए थे ना, लेट हो गए। चलो, ये बहुत खुशनसीबी की बात है कि मैं यहाँ पे आया। आप लोगों ने मुझे यहाँ के बारे में बताया, बहुत ही खुशी की बात है मेरे लिए।